हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको टैली में एक ऐसी TDL फाइल के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से जब भी आप टैली में किसी सेल्स के इनवॉइस को प्रिंट करते हैं तो आपका सिग्नेचर ऑटोमेटिक उस इनवॉइस में ऐड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि आप टैली में इस TDL फाइल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे कर लीजिए। आप यहाँ पर रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही यहाँ पर बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल पर आई टैली, ईवे बिल और GST से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो टैली में जब भी आप सेल्स के इनवॉइस को काटते हैं और उसको प्रिंट करके अपने कस्टमर को देते हैं तो आपको ऑथराइज सिग्नेचर पे अपना सिग्नेचर करना होता है। जब आप कभी एक कस्टमर को दे रहे हो तो आप सिंपल सिग्नेचर करके दे सकते हैं, लेकिन कई बार क्या प्रॉब्लम आती है, आपको एक ही साथ काफ़ी सारे कस्टमर्स को सेल का इनवॉइस देना होता है और आप बार बार सिग्नेचर नहीं कर सकते। तो ऐसे में हम आपको टैली में एक ऐसी TDL फाइल के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से आपको टैली में सिर्फ एक बार अपने सिग्नेचर को ऐड करना है और आप जितनी बार भी सेल्स के इनवॉइस को प्रिंट करेंगे वो सिग्नेचर ऑटोमेटिक आपके इनवॉइस में ऐड हो जाएगा। तो अभी हमारी टैली में वो TDL फाइल लोड नहीं है और अभी हम आपको सेल्स का इनवॉइस प्रिंट करके दिखाते हैं। सिंपल, आप यहाँ पे डिस्प्ले पे आ जाइए, यहाँ से अकाउंट बुक में और सेल्स रजिस्टर ऑन कर दीजिए। यहाँ पर हमने एक सेल्स की एंट्री पहले से करके रखी है, सिंपल हम आपको यहाँ पर इसको प्रिंट करके दिखाते हैं। आप यहाँ पर ओल्ड पी से प्रिंट कर दीजिए और विद प्रीव्यू के साथ इसको एंटर कर दीजिए। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ऑथराइज सिग्नेचर में आपको यहाँ पे कोई सिग्नेचर ऐड नहीं दिख रहा क्योंकि अभी तक हमने उस TDL फाइल को ऐड नहीं किया। तो अब हम आपको टैली में वो TDL फाइल ऐड करके दिखाते हैं और उसके साथ इस इनवॉइस को प्रिंट करके दिखाते हैं। लेकिन उस TDL फाइल को यूज़ करने से पहले उसकी कुछ कंडीशंस हैं, आइए एक बार उन कंडीशंस को देख लेते हैं। तो ये हमारी उस TDL फाइल की कुछ कंडीशंस हैं, जिसमें से हमारी पहली कंडीशन है कि वो TDL फाइल कंप्यूटर में डी ड्राइव में सेव होनी चाहिए। अगर TDL फाइल डी ड्राइव में सेव नहीं होगी तो वो वर्क नहीं करेगी। और इसी तरह हमारी दूसरी कंडीशन है कि सिग्नेचर फाइल JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। सिग्नेचर फाइल अगर किसी और फॉर्मेट में होगी तो वो वर्क नहीं करेगी। और तीसरी और आखिरी कंडीशन है कि सिग्नेचर फाइल का जो नाम है वो वन नाम से सेव होना चाहिए। तो ये हमारी ऑटो सिग्नेचर TDL फाइल की तीन कंडीशंस हैं, जिसमें से हमारी पहली कंडीशन है कि TDL फाइल कंप्यूटर में डी ड्राइव में सेव होनी चाहिए, दूसरा सिग्नेचर फाइल JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, अगर वो किसी और PDF या PNG फॉर्मेट में होगी तो वो वर्क नहीं करेगी, और तीसरी और आखिरी कंडीशन है कि सिग्नेचर फाइल वन नाम से ही सेव होनी चाहिए। जब हमारी ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएगी तो वो TDL फाइल वर्क करने लग जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर लेते हैं, उसके बाद उस TDL फाइल को टैली में लोड करके इनवॉइस को प्रिंट करके दिखाते हैं। तो आइए एक बार इस TDL फाइल से रिलेटेड तीनों कंडीशंस को एक बार फुलफिल कर लेते हैं, जिसमें से हमारी पहली कंडीशन थी कि जो हमारी TDL फाइल है वो हमारे कंप्यूटर में डी ड्राइव में होनी चाहिए। तो ये हमारे कंप्यूटर का डी ड्राइव है और ये TDL फाइल हमारे कंप्यूटर में डी ड्राइव में ही सेव है, तो यहाँ पर हमारी पहली कंडीशन फुलफिल होती है। और हमारी दूसरी कंडीशन थी कि जो हमारी सिग्नेचर फाइल है वो हमारी JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, तो हमारी ये सिग्नेचर फाइल JPEG फॉर्मेट में है और हमारी दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होती है। और इसी तरह हमारी तीसरी और आखिरी कंडीशन थी कि जो हमारी सिग्नेचर फाइल है वो हमारे कंप्यूटर में वन नाम से सेव होनी चाहिए, अगर ये किसी और नाम से होगी तो ये वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ पर हमारी तीनों कंडीशन फुलफिल होती है और हम इस TDL फाइल को टैली में लोड कर सकते हैं। सिंपल, आप इस TDL फाइल पर आ जाइए और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आ जाइए। सिक्योरिटीज़ में आके आप यहाँ पे इसका फुल नेम कॉपी कर दीजिए। इसे कॉपी करते आप सिंपल दोबारा टैली में आ जाइए और गेट ऑफ टैली में आके सिंपल आप F12 प्रेस कर दीजिए। F12 प्रेस करते आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। सिंपल यहाँ पर आपको प्रोडक्ट एंड फीचर में आना है और एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन शो हो रहा है जिसमें लिखा है मैनेज लोकल TDL। यहाँ तो आप सिंपल इस पर एंटर प्रेस कर दीजिए या इसकी शॉर्टकट की है F4। देन आपको यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन में आके उस TDL फाइल को पेस्ट कर देना है जिसकी शॉर्टकट की है Alt+Ctrl+V। देन आप सिंपल TDL कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो को एक्सेप्ट करा दीजिए। जैसे आप इसे एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर आपकी वो TDL फाइल लोड हो चुकी है। आइए एक बार इसे वर्क करके देखते हैं। सिंपल, आप गेटवे ऑफ टैली में आके डिस्प्ले पर आ जाइए, अकाउंट बुक पे आ जाइए और यहाँ से सेल्स रजिस्टर पे आ जाइए।
यहाँ पे हमने एक सेल्स का इनवॉइस पहले से ही काट के रखा हुआ है। आइए देखते हैं टीडीएल फाइल लोड कर रही है नहीं। सिंपल हम यहाँ पे ओल्ड पी से प्रिंट पे आ जाइए और विद प्रीव्यू के साथ इसे एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी टीडीएल फाइल वर्क कर रही है और यहाँ पे आपका सिग्नेचर ऑटोमेटिक ही ऐड हो गया है। तो अगली बार आप जब भी सेल्स का कोई इनवॉइस प्रिंट करेंगे तो आपका सिग्नेचर हर इनवॉइस में ऑटोमेटिक ही ऐड हो जाएगा और आप सिंपल इसे अपने कस्टमर को आगे प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि आप टैली में ऑटो सिग्नेचर टीडीएल फाइल को किस तरह से लोड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इस टीडीएल फाइल से रिलेटेड तीन कंडीशंस हैं, जो हमारी पहली कंडीशन थी कि टीडीएल फाइल हमारे कंप्यूटर में डी ड्राइव में होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन सिग्नेचर फाइल जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और तीसरी कंडीशन सिग्नेचर फाइल वन नाम से सेव होनी चाहिए। जब आपके तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तभी आपकी ये टीडीएल फाइल वर्क करेगी। तो अगर आप इस टीडीएल फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सिंपल कमेंट बॉक्स में हमें अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करा दीजिए, हम आपको मेल के थ्रू भी ये टीडीएल फाइल प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।